बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदिमुनि मोहन कानीलाल आसानसोल शाखा। नशा और नशे का कारोबार दोनों ही कितने घातक हैं ये बताने के लिए कई वाक्य प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाना शायद एडीपीसी के बस की बात नहीं है। चाहे वो आसनसोल उत्तर थाने के अंतर्गत आने वाला रेल पार का इलाका हो या फिर आसनसोल दक्षिण थाने के अंतर्गत आने वाला दिलदार नगर का इलाका। आसनसोल में ड्रग्स हीरोइन गांजे का व्यापार जिस तरह से धड़ल्ले से चल रहा है मानो ये कोई चॉकलेट या चिप्स हो जिसे कोई भी आसानी से खरीद सकता है और उपभोग कर सकता है। ऐसे में खतरे की तलवार आपके और हमारे बच्चों के ऊपर लटक रही है। जैसा कि सोमवार की रात आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत 41 नंबर वार्ड के दिलदार नगर स्थित स्वीपर पाड़ा में हुआ। अवैध शराब बेचने वाले कुछ लोगों को जब एक युवक ने रोका तो उन शराब बेचने वाले लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाके की महिलाओं ने भी शराब बेचने वालों का विरोध किया तो दबंगई दिखाते हुए उन शराब विक्रेताओं ने कई घरों पर पत्थर चला दिए और खिड़कियां तोड़ डाली। ये बातें स्वीपर पाड़ा में रहने वाली महिलाओं ने बताई। शराब बेचने वालों ने जिस युवक पर चाकू से हमला किया था उसका नाम सिकंदर बताया जा रहा है और उसने इस घटना की शिकायत आसनसोल दक्षिण थाने में दर्ज करवाई। दारू जो हुआ दारू के लिए हुआ है, हम लोग बोलने के लिए गए हैं तो लोग जितना हथियार ले लेकर रेडी डोमा जोया लुटेन जितना लोग सब मिल के एक बेग रात को आया है। लोग पूरा तरवाल उरवाल लेके समझे पूरा तरवाल उरवाल लेके आया। हम लोग सब छत में थे, हम लोग सब छत से सब वीडियो वीडियो किए हैं, सब वीडियो वीडियो किए हैं। हम लोग को पूरा हम लोग को बुला रहा है, पूरा ललकार रहा है। लोग नीचे आप पूरा यहाँ से ऊपर से पूरा ईटा फेंक रहा है, पूरा देखिए तलवार से कितना। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि इलाके में शराब बिक्री करने से उनके बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा, इसलिए यहाँ शराब बेचना बंद हो। दारू ठोकर लिए कितना यहाँ भगाड़ में जितना भी जेन से ठीक है 30 साल से ज्यादा 30 हुआ 40 हुआ हार्डली 40 तक गए आते आते ही सब डेथ हो जाता है। ठीक है आप भगाड़ का पूरा कोना कोना आप लोग फ्लैट हो क्वार्टर हो मट्टी घर हो डोम पड़ा हाड़ी पड़ा भुया पड़ा आप लोग टोटल छान मारिए। आप लोग जेंट्स नहीं मिलेगा उतना जितना लेडीज विधवा मिलेगा। छोटा छोटा गोदी में बच्चा है उसका आदमी मर जा रहा है। अपना बच्चा लोग को पेट पालने के लिए दूसरा घर जाके जूठा बर्तन मेस रहा तब जाके अपना बच्चा लोग को खिला पा रहा है। आज का डेट में अगर उसका हस्बैंड जिंदा हुआ जिंदा रहता नहीं दारू पीता जिंदा रहता तो आज उसको जूठा बर्तन किसी का धोने पड़ता? आप ही लोग बोलिए। सबसे मेन झमेला हो रहा दारू का ही लेकर के। बस इतना ही आप लोग से हेल्प चाहिए कि जैसे ही पाड़ा भगाड़ जो आसनसोल में जो भगाड़ है दिलदार नगर में जो बस ये पाड़ा में दारू बंद हो जाना चाहिए। इस इलाके में शराब बिक्री की बंदी के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए वार्ड पार्षद जीतू सिंह ने कई बार आसनसोल दक्षिण थाने को पत्र लिखा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल लगभग 22 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी जिसके बाद इस इलाके में शराब बिक्री पर लगाम लग चुका था, लेकिन एक बार फिर से अवैध शराब बिक्री करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं और लोगों के घर के सामने ही उनके मौत का सामान लेकर बेचने बैठ जाते हैं। सट्टा होच्छे बंद हो गया चिलो आबार चालू होच्छे हमरा आईसी साहब के हमार चिट्ठी आछे सात सात बार आमी जानिएछि चिट्ठी कोथाय सात सात बार आमी जानिएछि एयरपोर्ट आपनार गार्ड आछे এই ধরনের কোন নোংরামি চলতে দেবেন না। চলতে দিব না, চাই আমার খুন হয়ে যাক। মহিলাদের সঙ্গে অন্যায় হতে দিব না আমার ওয়ার্ডে। যবে থেকে আমি কাউন্সিলর হয়েছি 60% 70% বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আবার চালু হওয়ার চেষ্টাটা হচ্ছে। মহিলারা আমার ওটা প্রতিবাদ করছে, ওই প্রতিবাদেই এই ঝামেলা। वहीं उस क्षेत्र में रहने वाली कुछ और महिलाओं ने आरोप लगाया कि सिकंदर और उसके साथ कुछ लोग आकर उनके घर पर तोड़फोड़ कर रहे थे और इलाका छोड़ने के लिए दबाव दे रहे थे। सुनते नहीं कागज पुतर गला कापड़ लता गला सब चीजें फैले पड़े थे। पैसा गोरी छिला टाका पूरा सोच लो अमन के जखन मारलो तखन हमरा पाली है से छी किछु लितो पालुम नहीं। टाका गुलो पैसा गुलो मोबाइल गुलो सब बारीते छिलो सब लिए हुए छे। পুলিশে কমপ্লেন করেছো? আমরা কমপ্লেন করতে এসেছিলাম কিন্তু আমাদের কমপ্লেন নিল না।
से बोल रहा हूँ, लोग को सपोर्ट दे रहा काउंसिलर जीतू सिंह, सुभाष भैया भी उसी में है। आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा लेके आप लोग नहीं देखिएगा तो वहाँ दिलदार नगर पलाड़ नया पलाड़ का पास सिकंदर बोल रहा है घर खाली करो यहाँ से जाओ तुम लोग, हम लोग घर खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा पति 5,000 कमाता है उसमें। जब किसी राज्य में चुनावी माहौल रहता है तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस पर होती है, लेकिन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है उस राज्य में हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाना। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले उत्तर बंगाल से भारी मात्रा में अग्नियास्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ टीम ने एक विशेष अभियान में पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर इलाके से अग्नियास्त्र और गोला बारूद बरामद किया। एसटीएफ सूत्रों ने दावा किया कि 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 10 मैगजीन, 3 वन स्टार बंदूकें, 180 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन में इन अग्नियास्त्रों और गोला बारूद को रखने के आरोप में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर सलानपुर थाना अंतर्गत रूप नारायणपुर फाड़ी पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना पाकर फाड़ी इंचार्ज मोइनुल हक ने रूपनगर क्षेत्र से 3 युवकों को एक देसी बंदूक और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वे डकैती करने के इरादे से इस क्षेत्र में आए थे। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम विकास हाड़ी, राहुल महाली और रामकिशोर सिंह बताए जा रहे हैं। विकास हाड़ी जामुड़िया का रहने वाला है, वही 21 वर्षीय राहुल महाड़ी जामताड़ा के गायचंद्र क्षेत्र का निवासी है और 30 वर्षीय रामकिशोर सिंह उत्तर प्रदेश के मकरानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में चालान कर रिमांड पर ली। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में अग्नियास्त्र और गोला बारूद बरामद होने के साथ बम बनाने के कारखानों का भी पर्दाफाश हुआ है। ये खुलासे कई बड़े सवाल खड़े करते हैं कि क्या इन विस्फोटकों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हुड़दंग मचाने और अशांति फैलाने के लिए किया जाने वाला था, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और पंचायत चुनाव में उपद्रव मचाने के इरादे से इस तरह के हथियारों के जखीरे पश्चिम बंगाल में और कहां कहां पहुंचाए गए हैं। आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद जिन्हें जनता ने 2 बार इस पद से नवाजा था और रानीगंज के हैवीवेट तृणमूल नेता कंचन कांति तिवारी की सोमवार की शाम मौत हो गई थी। मंगलवार की सुबह पहले आसनसोल नगर निगम में और फिर राहालन स्थित टीएमसी पार्टी ऑफिस में स्वर्गीय कंचन कांति तिवारी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए लाया गया था, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए टीएमसी के कई नेता एवं समर्थक पहुंचे थे। সেজে উঠেছে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিপি রোড, অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন গাউন ক্রপটপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশে। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিপি রোড, অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। इन दिनों दिन दहाड़े छिनताई की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो गई है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए जा रहे लोगों से मोबाइल छीनकर ये अपराधी तुरंत नजरों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की नजर से अपराधियों का बचकर निकल पाना अब मुश्किल हो गया है। दरअसल कल यानी सोमवार को आसनसोल साउथ थाने में 1 घंटे के अंदर 4 मोबाइल फोन छिनताई की जाने की शिकायत दर्ज करवाई। आश्रम मोड़ से लेकर बाजार के बीच ये मोबाइल फोन छिनताई की घटना घटी। छिनताई की शिकार एक युवती ने बताया कि कल वह स्कूटी पर जा रही थी और उसी दौरान एक आरोपी ने उसका कीमती मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गया। मोबाइल फोन छिनताई की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी पड़ताल करने के बाद आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने निगाह में छापेमारी कर आरोपी मनीष नोनिया को धर दबोचा और मंगलवार को कोर्ट में चालान भी किया। आपको बता दें कि सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी मोबाइल छिनताई गिरोह सक्रिय है, जिसके तार कहीं न कहीं आसनसोल के चीनाकुड़ी से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार चीनाकुड़ी एक ऐसा इलाका है जहां मोबाइल चोरों का एक बड़ा गिरोह संचालित होता है।
फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल।